हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हैप्पी होंगे अपने अपने लाइफ में। और आज दोपहर का अभी टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं। 2 बजे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और मेरे हाथ में देखिए क्या है, एक पेंट कलर है, एक नहीं दो कलर लाया है क्रिस। तो मैं बैठ करके टाइम पास कर रही हूँ, कुछ काम घर का। क्रिस आज सोफा पर नहीं बैठा है, बल्कि उसका जगह चेंज हो गया है, वहाँ बैठा है डाइनिंग टेबल में, वहीं पर बैठ करके लैपटॉप चला रहा है। और मैं सोची कि मुझे कुछ टाइम पास करना चाहिए खाली बैठे। तो ये देखिए, ये है डब्बा, क्या चीज़ का डब्बा है बाबू? केक नहीं, लोटो चोको पाई का। और मैं इसी का बनाने जा रही हूँ कि आई पाई। पहले काट ले रहे हैं, मच्छर काट रहा है बताइए। हमारे यहाँ तो अभी से मच्छर आ गया, आप सबके यहाँ भी है क्या पता नहीं। सोफा के नीचे पैर अब ऊपर करके बैठना पड़ेगा। काट काट के भाग रहा है मच्छर। तो मैं सोची कि आज मैं वही करूँ बैठ करके, और आप सबके साथ बात भी करें, कैसा रहेगा। इसका बनाते हैं। और फिर मैं बैठ गई और करने लगी बच्चे वाली हरकत, यानी एंटिंग पेंटिंग वाली काम। तो ये सब बचपन में मुझे बहुत शौक़ था, मैं बहुत ज़्यादा करती थी ये सब, और अभी भी मुझे ये सब करने का शौक़ है। तो मैं बैठ करके सोची आज टाइम पास करूं। तो ये देखिए, 2 काट लिए हैं इस तरह से कार्ड को, पतला वाला है। और इसमें पहले मैं पेंसिल से लिख ली, और इसके बाद ये लिक्विड वाला कलर इसे ब्रश से पेंट कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता था बचपन में जब मैं ये सब बनाती थी, अब बहुत ज़्यादा बनाती थी। ये कलाकारी सब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद था, मतलब हर चीज़ मुझे पसंद था, सिलाई कटाई और ये एंटिंग पेंटिंग, सारा चीज़ मुझे पसंद था करना, और बहुत ज़्यादा मैं बनाती थी ये सब चीज़। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि शौक़ नहीं है, अभी भी मैं बनाती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मेरा बन करके रेडी हो गया, पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव लाइफ। और इस तरह से मैं इसे दोनों को अटैच कर दी, लेकिन अभी ये टांगने लायक नहीं है, क्योंकि ये अभी तुरंत इसे फेविकॉल से साटे हैं। तो इसे मैं बाद में दीवार पर लटकाऊंगी, और देखने में अच्छा लगने लगा, खूबसूरत, देखकर बताइएगा आप सब। सोची कि मैं इस तरह से लिख करके और कहीं पर टांग लूँ। और इस तरह का पॉजिटिव कोई भी विचार लिखा हुआ अगर आपके दीवार पर है, तो उसे देखने के बाद अच्छा फील होता है। फिर मैं आई छत पर, और यहाँ पर देखिए मेरा दाल, मूंग का दाल छत पर मैं आज डाली थी सूखने के लिए, तो सूख चुका है, इसमें लग गया था कीड़ा, और मैं सोची कि इसे धूप में डालना ज़रूरी है। देखिए, और ये दाल पता है जब हमारे सूप होता था उस वक्त का है, मतलब 2 साल हो गया होगा करीब, तो उस टाइम का ये दाल है। और मूंग का दाल तो खाते नहीं हैं घर में, बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे, तो वही दाल बचा हुआ है। और इसमें इस तरह से हो गया, 2 साल नहीं होगा तो पता नहीं, 1-1.5 साल तो हो ही गया होगा लिए हुए, 1 साल होगा, 2 साल का नहीं होगा। तो व्यापारी और किसान, यानी बिजनेसमैन और किसान, दोनों को इस तरह का नुकसान होता है, और दोनों को फ़ायदा के साथ साथ नुकसान भी बहुत अच्छा झेलना पड़ता है।
सूप तो हमारा नहीं है और जो रह गया उसे इस तरह से करना पड़ रहा है। फिर मैं आई किचन में और देखिए आज मैं क्या बना रही हूँ, अलग तरह का डिश। आप सब भी हैरान होंगे क्या ये पका रही है, काला खलूठा क्या चीज़ है। तो यार ये सब्जी है नया आंवला रीठा सीका का, मैं इसका शैम्पू बनाऊंगी और सोची कि इसे पहले उबाल दे रहे हैं पका करके, इसके बाद इसे अच्छी तरह से मसल करके इसका सारा पानी निकाल करके और फिर मैं इसे बोतल में रखूंगी और फिर फ्रिज में रख देंगे। कम से कम ये 8-10 दिन 15 दिन आसानी से चलेगा। उसके बाद मेरा काम था नाइट के डिनर की तैयारी, तो ये रहा बैगन और एक गोल वाला बैगन है। तो अभी सीजन में ये होता रहा है, गर्मी के मौसम में जब गोल वाला बैगन होता है वही, तो मैं सोची चलो इसे काट देते हैं और काट करके फिर बनाते हैं, क्योंकि बैगन तो बनाएंगे लेकिन हमारे यहाँ ना सभी को बैगन पसंद नहीं है, तो मुझे आलू का भुजिया भी बनाना होगा। फिर मैं बैठ गई खाना बनाने और गर्मी धीरे धीरे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लग रहा है जैसे कि अभी से ही अप्रैल का महीना हो गया हो, अभी तो मार्च ही चल रहा है, अप्रैल मई जैसा बहुत ज़्यादा अचानक से गर्मी इस तरह से हो गया है। और किचन में गर्मी में काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो खैर अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, संभलने लायक है। मैं अब बना रही हूँ सब्जी भुजिया जो भी बनाना है मुझे नाइट के डिनर में हो, और ये गोल वाला बैगन ना बहुत टेस्टी होता है, तो मैं सीजन में 2-4 बार जरूर मंगाती हूँ ऐसा। तो बैगन मैं ज़्यादा नहीं खाती लेकिन फिर भी सीजन में मंगा लेती हूँ। भुजिया मेरा भुन चुका है और यह है सब्जी, तो इस पर पानी डाल करके और इसके बाद मैं सोची चलो कुछ काम है और जो किचन में एडजस्ट करना है तो उसे एडजस्ट कर लें साथ में ही, क्योंकि बार बार फिर किचन में आना अच्छा नहीं लग रहा है गर्मी में। और चना का दाल ऐसा है कि इसमें ना चीटी इतना ज़्यादा लग गया कि कहना नहीं है, मतलब हर चीज़ में यार चीटी, चीनी में चीटी होता था लेकिन ऐसा क्यों कि हर चीज़ में चीटी है, बाहर मतलब कुछ भी रखो तो उस खाने का चीज़ तो उसमें चीटी। और ये सोची मैं इसे भी डब्बा में रखूँ नहीं तो इसमें भी चीटी लग ही जाएगा। और ये है सेव, मार्केट से आया है और मैं इसे डब्बा में रख दे रही हूँ। मैं जो होली पर बनाई थी वो सारा मेरा नमकीन ख़त्म हो चुका है और हमारे घर में ना नमकीन ही ज़्यादा पसंद है, तो फरमाइश थी फिर से बनाने की लेकिन मैं अभी थकी आ रही हूँ और मैं अभी ये सब चीज़ नहीं बनाने वाली हूँ। तो सारा सामान मैं एडजस्ट करके और रख दे रही हूँ, गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है हमारे यहाँ। तो फ्रेंड्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए। तो वीडियो को एंड और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर।